अरे फ्रैंकलिन भैया जल्दी बाहर आओ, ये देखो आसमान में एलियन आ गए। क्या बोल रहे तू सिंचन, आसमान में एलियन आ गए? जरा मैं भी तो देखूं। अबे यार सिंचन, ये एलियन थोड़ी है, ये तो यार मुझे एरोप्लेन जैसा दिख रहा है। एक मिनट रुको गाइस, मैं अभी स्कोपिंग करके खोल के देख लेता हूँ। अरे गाइस यार, ये तो ना एरोप्लेन है ना एलियन है, ये तो स्पेस शटल है। ये कौन सा शटल है, कहीं बैडमिंटन खेलने वाला शटल तो नहीं? अबे नहीं सिंचन यार, ये स्पेस शटल है, इसके अंदर लोग बैठ के यार स्पेस में जाते हैं और रिसर्च करते हैं। अरे तो फ्रैंकलिन भैया मुझे भी स्पेस में जाना है, आज तक मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर में भी बैठा हूँ और बहुत सारी गाड़ियों में भी बैठा हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी भी स्पेस शटल में नहीं बैठा। मुझे प्लीज बैठना है और उसको उड़ाना भी है। उसको कोई भी ऐसे नहीं उड़ा सकता, उसके लिए लोग यार पढ़ते लिखते बहुत बड़ी डिग्री लेते और नासा में जाके क्वालिफाई करते हैं, तब जाके उनको स्पेस में जाने का मौका मिलता है, और तू तो पांचवी फेल है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझे, पांचवी फेल हूँ? मैं तो तीसरी फेल हूँ। ले तूने खुद ही सच्चाई बक दी, अब तू ही बता तुझे कैसे स्पेस शटल में लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा वेल क्वालिफाइड लोग और जो पढ़े लिखे होते सिर्फ वही स्पेस शटल उड़ा सकते हैं, और तू तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे तो लात मार के भगा देंगे नासा वाले। कुछ जुगाड़ करो ना फ्रैंकलिन भैया, प्लीज प्लीज मुझे स्पेस शटल में बैठना है, मुझे भी स्पेस में जाना है और देखना है कि हमारी धरती कैसे दिखती है, और चंदा मामा को भी देखना है, प्लीज कुछ करो ना। सिंचन तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई छोटा सा बर्गर खाना, यार ये पॉसिबल नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते स्पेस में, मैंने तुझे बोला ना। अरे नहीं नहीं मैं नहीं जानता, आपको मुझे स्पेस में लेके जाना ही होगा, मुझे स्पेस शटल में बैठना है कैसे भी, वरना मैं जोर से रोऊंगा यहीं पे। सिंचन पहले तू रोना बंद कर, रुक कुछ सोचता हूँ। वैसे तो मैं तुझे लेके नहीं जा सकता, लेकिन क्या करूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है, एक तो तू इतना जिद्दी हो गया दिन ब दिन कि तू मेरी बात ही नहीं मानता। अच्छा एक काम करते हैं, चल हमारे एवेंजर्स वाले दोस्तों से मिल के आते हैं, उनके पास कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ताकि तुझे स्पेस में लेके जा सकूं। अच्छा तो चले फ्रैंकलिन भैया, नेक काम में देरी क्यों, जल्दी जल्दी जाते हैं, स्पेस में घूम के आएंगे, मजा आ जाएगा। आज तो मैं कभी भी स्पेस में नहीं गया हूँ। तो मैं कौन सा स्पेस में गया हूँ, आजा फटाफट से बैठ जा हमारी रेड वाली सुपर कार में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितनी ज्यादा तगड़ी वाली सुपर कार है, और ये मैंने अभी हाल ही में खरीदी है, और आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा तगड़ी और कितनी ज्यादा प्यारी है, और इसकी एलॉय व्हील्स, ओ माय गॉड मेरे तो फेवरेट है इसके एलॉय व्हील्स। गाड़ी की तारीफ करना बंद करो और फटाफट से एवेंजर्स वालों के घर पे चलो, मुझे फटाफट से स्पेस में जाना है और देखना कि हमारी धरती कैसे दिखती है। हाँ सिंचन यार गाड़ी चला तो रहा हूँ, मेरी यार कार है, कोई रॉकेट थोड़ी ना कि फटाफट से भाग जाएंगे, चल फटाफट से जाते हैं। सिंचन आज तो हम लोग भूल ही गए थे कि आज तो इंडिपेंडेंस डे, दोस्तों यार आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं भी भूल गया था, रुको गाड़ी साइड में लगाओ, अभी अपने व्यूवर्स को विश कर देता हूँ। अरे दोस्तों मेरे और फ्रैंकलिन भैया की तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सब लोग मुझे भी फटाफट से कमेंट में जाके विश कर दो जल्दी से। तो यार आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सिंचन यार चल अब हम लोग फटाफट से जाते हैं, कहीं हम लोग लेट ना हो जाए, और हम लोग को यार फटाफट से स्पेस में भी तो जाना है, और दोस्त यार अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग स्पेस में जाए वो भी इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो यार फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और गाइज आप लोगों के लिए एक वीडियो में सरप्राइज है, अगर हम लोग वीडियो के एंड में अगर स्पेस में पहुंच गए ना, तो हम लोग यार मून पे जाके अपने इंडिया का फ्लैग लगाएंगे, तो पूरा वीडियो एकदम एंड तक देखना, और उससे पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उसे दबा दो। चलो फटाफट से जाते हैं एवेंजर्स वालों के घर पे। सो फाइनली गाइस यार यहाँ पर हम लोग एवेंजर्स वालों के घर पे पहुंच चुके हैं, और मैंने इनको पहले ही फोन करके बाहर बुला लिया था। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो सभी लोग बाहर आ गए हैं, और आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर, तुम सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ फ्रैंकलिन ब्रो यार तुम्हें भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे हाँ फ्रैंकलिन तुम्हें भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ तुम सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरी बात सुनो, ये सिंचन ना सुबह से बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली जीत करके बैठा है, यार कोई मुझे इसका सॉल्यूशन बता दो। सिंचन सुबह से मेरा दिमाग खा रहा है कि उसको स्पेस शटल में बैठ के स्पेस में जाना है, और ना तो सिंचन इतना पढ़ा लिखा है ना कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं कि नासा में जाऊं और क्वालिफाई होकर स्पेस शटल उड़ा सकूं। तो
यार आयरन मैन, मेरी इसमें कुछ मदद करना कि मैं कैसे स्पेस शटल में बैठ सकता हूँ। अरे फ्रैंकलिन ब्रो यार, ये क्या सुबह सुबह इंडिपेंडेंस डे के दिन तुम मजाक कर रहे हो? इतना आसान थोड़ी स्पेस शटल में बैठकर उसको उड़ाना। आयरन मैन, मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या? ये सिंचन सुबह से मेरा दिमाग खा रहा है और रो भी रहा है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। थॉर तू ही कुछ बता दे, तू तो वैसे भी एस्गार्ड का दिन भर घूमता रहता है, कुछ तो बता तू। तोड़ दूंगा। अरे फ्रैंकलिन मैं क्या बताऊं, ओए मेरे को तो कहीं पे भी जाना रहता है तो मैं तो अपने इस हथौड़े के थ्रू चला जाता हूँ। डायरेक्ट हथौड़ा हवा में घुमाता हूँ और सीधा एस्गार्ड पहुंच जाता हूँ। ओए बल्ले बल्ले, ओए तेरे पास तो जादू ही शक्ति है, इसके लिए तो जल्दी से पहुंच जाता है। मेरे और सिंचन के पास थोड़ी ना यार कि हम लोग पहुंच जाएंगे। यार हल्क तू ही बता दे, हम लोग किस तरीके से यार स्पेस शटल में बैठ सकते हैं और यार कैसे हम लोग स्पेस में जा सकते हैं? स्पेस शटल में बैठना है क्या? मैं बताता हूँ, स्पेस शटल में बैठने के लिए पहले स्पेस शटल का दरवाजा खोलो और सीधा बैठ जाओ। हल्क यहाँ कोई कॉमेडी वॉमेडी हो रही क्या? तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? गाइस लगता है कि इन एवेंजर्स वालों को कुछ भी पता नहीं है, मेरा ये लोग मजे ले रहे हैं। अब यार सिंचन मैंने बोला था ना कि हम लोग स्पेस में नहीं जा सकते, अब तू ही बता, ये लोग को भी कुछ पता नहीं है कैसे जाए स्पेस में? वो सब मुझे नहीं पता, आप प्लीज मुझे स्पेस शटल पे बिठा के स्पेस में ले चलो ना, प्लीज प्लीज इनको मनाओ कैसे भी, मुझे स्पेस में जाना है। सिंचन मैंने तेरे सामने ये सारे एवेंजर्स वालों से पूछा ना, तूने सुना ना इन्होंने क्या बोला कि हम लोग नहीं जा सकते? स्पाइडरमैन तुझे तो कुछ पता होगा, तू तो कुछ बता दे। अरे फ्रैंकलिन, स्पेस शटल से स्पेस में जाने के लिए या तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करके नासा में एडमिशन लेके क्वालिफाई करना होगा तभी तुम जा सकते हो, वरना तो तुम एक काम कर सकते हो, मिलिट्री बेस में जो स्पेस शटल है ना उसको चोरी करके उसमें बैठकर भी जा सकते हो। क्या बोला तूने स्पाइडरमैन कि मिलिट्री बेस में कोई स्पेस शटल है और उसको चोरी करके हम लोग जा सकते हैं? हां तो ये काम तो हम लोग कर ही सकते। क्या बोलता शिंचन, अगर हम लोग मिलिट्री बेस से वो स्पेस शटल चुरा ले तो हम लोग यार उसको उड़ा के स्पेस में जा ही सकते हैं। अरे हम चुरा तो लेंगे, लेकिन हमारे में से स्पेस शटल उड़ाना किसको आता है? कहीं किसी ने गलत शर्त उड़ा दिया, हम लोग तो हवा में ही फटके मर जाएंगे। हल्क को उड़ाना आता है, हल्क ने पहले भी स्पेस शटल उड़ाया है। हाँ हल्क तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने तुझे पहले भी देखा स्पेस शटल उड़ाते हुए। तो चलो यार हमारी टीम यहाँ पर रेडी तो हो गई है, यार आयरन मैन तू भी मान जा, चल फटाफट से जाते हैं स्पेस शटल चोरी करके लाते हैं और स्पेस शटल को यार उड़ा के सीधा स्पेस में जाते हैं। फ्रैंकलिन ब्रो यार ठीक है, तो चल फटाफट से मिलिट्री बेस जाते हैं और वो स्पेस शटल को चोरी करते हैं। लेकिन तेरी कार में तो जगह ही नहीं है, तेरी कार में तो सिर्फ तू और सिंचन बैठ सकते हो, हम लोग कैसे आए? आयरन मैन तेरे पास तो इतनी सारी कार की कलेक्शन, कोई भी यार बड़ी वाली कार निकाल दे जिसमें हम सब आ जाए। अच्छा फ्रैंकलिन ब्रो ऐसी बात है क्या? तो रुक मैं अपनी लेटेस्ट कलेक्शन वाली एसयूवी लेके आता हूं जिसके अंदर हम सब एकदम आसानी से बैठ जाएंगे। ये देख फ्रैंकलिन मैं कितनी मस्त वाली एसयूवी लेके आया हूँ, वो भी एकदम टॉप मॉडल की जी वैगन, आ जाओ हम सब इसी में बैठकर जाएंगे। वाह आयरन मैन तुम्हारे पास कितनी ज्यादा मस्त वाली एसयूवी है, वो भी जी वैगन, ये तो मेरी फेवरेट कार है। वैसे दोस्तों आप लोगों की कौन सी फेवरेट कार है फटाफट से कमेंट में बताओ। आज तुम सब ऐसा टाइम पास करना बंद करो और फटाफट से गाड़ी में बैठो यार, फटाफट से जाते हैं मिलिट्री बेस। ओके सो यहाँ पर सभी एवेंजर्स वाले और मैं भी बैठ चुका और सिंचन भी बैठ चुके, चल आयरन मैन फटाफट से मिलिट्री बेस ले ले। हाँ फ्रैंकलिन ब्रो ले तो रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि यार मिलिट्री में बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होगी और पता नहीं हम कैसे वो स्पेस शटल को चोरी करेंगे। आयरन मैन वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ दे, वो सब मैं देख लूंगा। तो गाइस यार यहाँ पर ना मुझे कोई छोटा सा एक प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग कैसे उस स्पेस शटल को चोरी कर ले, क्योंकि आप लोग को पता है कि यार मिलिट्री बेस कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ पे कितने सारे सोल्जर है और उनके पास बहुत ही ज्यादा तगड़ी तगड़ी गन्स हो सकती है। अगर इनकी एक भी गोली लग गई तो हमारे तो यार छक्के छोड़ जाएंगे, तो हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी से वो स्पेस शटल चोरी करना होगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग मिलिट्री बेस पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। चलो यहाँ पर धीरे धीरे गाड़ी को यहाँ पर आयरन मैन ने अंदर तो कर दिया, लेकिन मुझे भी बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा है। एक काम कर आयरन मैन, गाड़ी है ना इसके वेयर हाउस के पीछे पार्क कर देते हैं, और मैंने पहले हल्क और थॉर को भेज दिया एक ट्रक लाने के लिए जिसमें हम लोग वो स्पेस शटल को लाद के लाएंगे। चलो बॉयज अपने मिशन को अंजाम देते, लेकिन एक काम करो तुम सब यहीं रुको क्योंकि इसमें जान का खतरा हो सकता है,
देख काम करता, मैं पहले फटाफट से जाके वहां पे मेरे को बहुत सारे सोल्जर और कॉप्स दिखाई दिए थे, उनको मार देता हूँ, फिर जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तुम लोग आना, ठीक है ना? ठीक है फ्रैंकलिन ब्रो, हम लोग समझ गए, हम लोग तुम्हारा यही वेट करेंगे, तुम जल्दी जाओ और उन कॉप्स को निपटाओ और स्पेस शटल को कब्जा करो। हाँ आयरन मैन, मैं अभी जाता हूँ। गाइस यार, ये लोग को मैंने फॉर्म में तो बोल दिया कि मैं फटाफट से जाके कब्जा कर लूंगा, लेकिन मेरी खुद भी फट रही है क्योंकि मैंने दूर से देखा था कि वहां पे बहुत सारे कॉप्स और मिलिट्री वाले। एक मिनट, यहाँ से मैंने एक काम करता हूँ, स्नाइपर निकाल लेता हूँ और देखता हूँ कि आखिर बंदे है कितने। यहाँ पर से मैंने अपनी स्नाइपर निकाली और गाइस यार आप लोग देख सकते हो कितने सारे कॉप्स है और उन सबके हाथ में यार एआर राइफल है, पता नहीं यार कौन कौन सी गन है, और ये सारे स्पेस शटल की यार रखवाली कर रहे हैं। यार मेरी तो पुंगी ना बच जाए ये स्पेस शटल को चोरी करने में, लेकिन मुझे करना तो होगा किसी भी हाल में। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना मैं घूम के जाता हूँ, एक काम करता हूँ यहाँ से फटाफट से जाता हूँ और ऊपर कोई जगह से ना मुझे चढ़ के ये जो ऊपर चढ़े हुए ना उन लोगों को पहले मारना होगा ताकि मैं वो स्पेस शटल के करीब पहुंच सकूं। गाइस यहाँ पर मैं छपड़े पे चढ़ चुका हूँ, वो भी चोरी छुपे, और आप लोग देख सकते हो मेरे सामने वो रहे सब। एक काम करता हूँ, पहले स्नाइपर निकाल लेता हूँ और जो ये सबसे ऊपर छुपा हुआ है इसको देता हूँ। और भाई साहब इसने मुझे देख लिया और यार मेरा एम मिस हो गया। एक ये ले और इसको तो मैंने क्या ही हेडशॉट मारा, और भी बहुत सारे और ये लोग मेरे करीब आ रहे। इससे पहले कि ये लोग मुझे आ रहे, एक काम करता हूँ मैं एआर गन निकाल लेता हूँ और अब मुझे ना नीचे जाके फाइट लेनी होगी, वो भी एकदम संभल के। अरे यहाँ पर ही एक है और इसको भी गन निकाली, इसको मैंने मार दिया, वो तो अच्छा है। अब मुझे थोड़ा फटाफट यार कवर में से मारना होगा इन सबको, कहीं मुझे गोली ना लग जाए। और यहाँ पर एक क्लोज आया और इसको मैंने दे दिया। और कहाँ पे और यहाँ से ये लोग आ रहे। अरे ये लोग कितने सारे, मैंने दो तीन को तो मार दिया फिर भी ये लोग आए जा रहे। और यहाँ पर एक और, अरे ये फिर जिंदा हो गया, लगता है कि मेरी गोली ठीक से लग नहीं रही है। पास जाके मारो, कहाँ गया? ओ भाई साहब क्या ही तगड़ा है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सोल्जर था यार, क्या ही बढ़िया ताकत थी उसके अंदर, उसने क्या ही बढ़िया एम करके मारा। लेकिन फाइनली मैंने उसे भी मार दिया। मुझे लगता है यहाँ मैंने सभी, और ये एक मिनट अभी भी कोई बचा, कहाँ से मार रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा यहाँ पे छुपा ये ले, और यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया और मुझे ऐसा लगा, अरे फिर जिंदा हो गया। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने सभी के सभी लोगों को मार दिया है। आयरन मैन, सिंचन, तुम लोग सब फटाफट आ जाओ, मैंने यहाँ पर जितने भी मिलिट्री वाले थे सबको मार दिया, फटाफट से आ जाओ। यहाँ पर मैंने सभी लोगों को मार दिया और यहाँ पर सिंचन, आयरन मैन और स्पाइडर मैन भी आ चुके हैं। आयरन मैन यार फटाफट से स्पेस शटल में बैठ और यार इसको चालू करके देख, चालू तो है ना कम से कम। हाँ फ्रैंकलिन ब्रो यार रुक, अभी चालू करके देख लेता हूँ। और यहाँ पर से कहाँ गया इसका बैठने का सीट? अच्छा यहाँ से, चलो फटाफट यहाँ से आता और ये मैंने गेट खोला, चलो अंदर। ओके सो यहाँ पर मैं अंदर तो आ चुका हूँ, एक मिनट गेट लॉक कर देता हूँ पहले। और यहाँ पर मैं अंदर तो आ चुका हूँ, सब कुछ इंजन वगैरह तो रेडी बता रहा है, यहाँ पर इसका विंड डायरेक्शन भी सही बता रहा है, लेकिन इसका इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? मैं कब से यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर ये कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर बता रहा है कि इसके अंदर फ्यूज कंडक्टर नहीं है। रुको अभी फटाफट से जाके फ्रैंकलिन को बताता हूँ। फ्रैंकलिन ब्रो यार एक गड़बड़ हो गई, इस स्पेस शटल में तो फ्यूज कंडक्टर ही नहीं है, और जब तक इसके अंदर फ्यूज कंडक्टर नहीं लगेगा ये स्पेस शटल नहीं उड़ेगा। अच्छा आयरन मैन ऐसी बात है क्या? गाइस यार हम लोग ने कितनी ज्यादा मुश्किल से इस स्पेस शटल के यार यहाँ पर बैठे हुए सारे सोल्जर्स और मिलिट्री वालों को मारा था, जैसे तैसे तो स्पेस शटल यहाँ पर चोरी करने थे और इसके अंदर अब यार फ्यूज कंडक्टर नहीं है। फ्यूज कंडक्टर कहाँ से लाऊं? एक काम करता, सबसे पहले तो यार इसको इस ट्रक पे लादते हैं और इसको यहाँ से कहीं दूर लेके चलते हैं, फिर सोचते आगे क्या करना है। वो तो अच्छा कि मैंने पहले ही हल्क और थॉर को बोल के यार मंगवा लिया था, मुझे ऐसा पहले से ही डर था। थैंक यू सो मच यार थॉर की तो पहले से ही ट्रक लेके आया। अब फटाफट से काम करते सब लोग मिल के यार फटाफट से इस स्पेस शटल को इस पर लाद देते हैं और एक अच्छी लोकेशन पर ले चलते हैं। हाँ फ्रैंकलिन तुमने बिल्कुल सही बोला, एक मुझे लोकेशन पता है, वहां लेकर चलते हैं। तो देरी किस बात की है, फटाफट से लादो। सो यहां पर फाइनली हम लोग ने मिलकर इस स्पेस शटल को ट्रक पे लाद दिया है। तो एक काम करो थॉर और हल्क तुम लोग फटाफट से उस लोकेशन पे पहुंचो इसको लेकर, तब तक मैं यहां पर आयरन मैन, सिंचन और स्पाइडरमैन को लेकर पहुंचता हूं, चलो फटाफट से सब लोग। सो यहां पर मैं गाड़ी में बैठ चुका हूं और यहां पर आयरन मैन भी बैठ गया, स्पाइडरमैन भी बैठ गया और सिंचन तू भी फटाफट से बैठ जा। अबे सिंचन जल्दी बैठ। ओके सो यहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं और हम लोग को फटाफट से यार वो लोकेशन पे जाना होगा। और वो तो अच्छा है कि यहाँ पर हल्क ने पहले ही ट्रक लेके आ गया, तो हल्क और थॉर मिलके वो स्पेस शटल को लोकेशन पे ले आएंगे। लेकिन गाइस बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली टेंशन आ गई है कि अब हम लोग ये स्पेस शटल को उड़ाएंगे कैसे। और यार मुझे तो आज ही इस स्पेस शटल को उड़ा के स्पेस में ले जाना था और मून के ऊपर यार इंडिया का फ्लैग लगाना था। यार ये तो मैं किसी भी हाल में करके रहूंगा क्योंकि आज वैसे भी इंडिपेंडेंस डे,
थे। तो चलो एक काम करते हैं, फटाफट पहले वो लोकेशन पर जाते हैं और देखते कि क्या हो सकता है। सो फाइनली हम लोग वो लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर थॉर और हल्क हम लोग से पहले ही पहुंच गए। और आप लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर हमारा स्पेस शटल तो आ चुका है, लेकिन यह अभी उड़ेगा नहीं। हमें यार इंतजाम करना पड़ेगा फ्यूज कंडक्टर का, ताकि हम लोग इस स्पेस शटल को उड़ा सके। आयरन मैन तुझे कुछ पता है क्या कि मुझे फ्यूज कंडक्टर कहाँ मिलेगा? फ्रैंकलिन ब्रो यार वो कोई समोसा या वड़ा पाव तो नहीं कि ऐसे मिल जाए। मुझे लगता है तुझे जाकर किसी साइंटिस्ट से मिलना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, वही उसमें हमारी मदद कर सकता है। ऐसी बात है क्या आयरन मैन? तब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक काम करो तुम सब यहीं रुको, मैं फटाफट से प्रोफेसर धूमकेतु के पास जाके आता हूँ, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर होगा। तुम लोग मेरा यहीं वेट करो, और मुझे पता है कि प्रोफेसर धूमकेतु का जो गांव है वही ये पास में ही है, तो मैं फटाफट जाकर आता हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, हम आपका यहीं इंतजार करेंगे, लेकिन आप जरा जल्दी आना। हाँ शिनचैन यार जल्दी आऊंगा। और गाइस यार यहाँ पर किसी ने पिंक कलर की इतनी मस्त वाली स्पोर्ट बाइक रखी थी, लेकिन गाइस यार इसका पिंक कलर क्यों है? वैसे मुझे कलर से क्या लेना देना, स्पोर्ट्स बाइक तो मिल गई, अब चलो फटाफट इसे भगा के पहुंच जाता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ से प्रोफेसर धूमकेतु का घर ज़्यादा दूर नहीं होगा, और मेरे हाथ में तो स्पोर्ट्स बाइक है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागती है। तो चलो फटाफट से जाते हैं प्रोफेसर धूमकेतु के पास, और मुझे लगता है कि वो इसमें हमारी मदद जरूर कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि यार हमें वो फ्यूज कंडक्टर कहाँ से मिलेगा। तो चलो फटाफट से जाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोफेसर धूमकेतु के गाँव में तो पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर कुछ लोग इनसे पूछ लेता हूँ। अरे भाई साहब यार आप लोग मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर प्रोफेसर धूमकेतु कहाँ रहते हैं? हाँ वो खड़ूस बुढ़वा आगे रहता है। अच्छा ठीक है भाई साहब, आपका शुक्रिया बताने के लिए। लेकिन गाइस यार पता नहीं यहाँ पर ये लोग ने प्रोफेसर धूमकेतु को खड़ूस क्यों बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो एकदम अच्छे साइंटिस्ट। अच्छा ये लो मिल गए। ओके सो फाइनली यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ। अरे साइंटिस्ट धूमकेतु बाहर आइए, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या हुआ फ्रैंकलिन बेटे, तुम तो बहुत सालों बाद दिखाई दिए, आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई? साइंटिस्ट धूमकेतु सर यार मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली मुसीबत में फंस चुका हूँ। मैं स्पेस शटल उड़ाने जा रहा था, लेकिन उसके अंदर फ्यूज कंडक्टर ही नहीं है। आप मुझे बता सकते हो क्या कि फ्यूज कंडक्टर कहाँ मिलेगा? बेटे फ्रैंकलिन क्या बोला तुमने, फ्यूज कंडक्टर? लेकिन उसका तुम्हें क्या काम, वो तो नासा वाले यूज करते ना स्पेस शटल, तुम क्या करोगे फ्यूज कंडक्टर लेके? साइंटिस्ट धूमकेतु सर यार मैं और मेरे दोस्त ने स्पेस शटल में बैठ के स्पेस में जाना चाह रहे थे, तो हमें स्पेस शटल तो मिल गया, लेकिन वो स्पेस शटल को उड़ाने के लिए फ्यूज कंडक्टर नहीं है हमारे पास, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। अच्छा बेटे तो तुम्हें फ्यूज कंडक्टर चाहिए ना? फ्यूज कंडक्टर तो ऐसे दुकानों पे तो नहीं बिकता, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा फ्यूज कंडक्टर के लिए तुम्हें हमारा जो वो साइंस लैब है ना, साइंटिस्ट रिसर्च वाला, वो नासा के पीछे, तुम्हें वहां जाना मिलेगा, वहीं पे तुम्हें फ्यूज कंडक्टर मिलेगा। अच्छा साइंटिस्ट धूमकेतु सर वो साइंस लैब क्या, उसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा तेज सिक्योरिटी रहती है, वहां से मैं कैसे फ्यूज कंडक्टर निकालूंगा? बेटे फ्रैंकलिन वो तो मुझे नहीं पता, जितना तुमने मुझसे पूछा मैंने उतना बता दिया, बाकी तुम जानो। अच्छा ठीक है साइंटिस्ट धूमकेतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस यार हमें इतना तो पता चल गया कि वो हमें फ्यूज कंडक्टर कहां से मिलेगा, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा दूर साइंस रिसर्च सेंटर है ना नासा के पीछे, वहां मिलेगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वहां पर तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हाई है, वो लोग तो मेरे चीथड़े उड़ा देंगे बॉम्ब मार मार के, लेकिन मुझे किसी भी हाल में वो फ्यूज कंडक्टर लाना ही होगा, ताकि यार मैं अपना स्पेस शटल चला सकूं और हम लोग स्पेस में जा सके। तो चलो गाइस यार फटाफट से जाते हो साइंस रिसर्च सेंटर। तो गाइस यार फाइनली यहां पर मैं साइंस रिसर्च सेंटर में आ चुका हूं, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये कितना बड़ा रिसर्च सेंटर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। और फटाफट से मुझे इसके अंदर जाना होगा और यार वो फ्यूज कंडक्टर ढूंढना होगा। और उन्होंने बताया था साइंटिस्ट धूमकेतु ने कि वो मुझे चैम्बर 3 में मिलेगा, तो चलो फटाफट से जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये रहा चैम्बर 3, अब मुझे इसके अंदर एंट्रेंस ढूंढना पड़ेगा कि इसका एंट्रेंस कहां से जाने का। एक मिनट, यहां कहीं पीछे से ये पाइप के थ्रू तो मैं नहीं चढ़ सकता, यहां पर से पीछे कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, कोई वेंट ही मिल जाए। अच्छा एक मिनट, ये देखो गाइस यहां पर एक वेंट है, मैं इसके थ्रू चढ़ जाता हूं और यहां पर मैं आ चुका हूं। चलो फटाफट इस वेंट के अंदर घुसता हूं और सीधा वहां पे निकलूंगा। सो फाइनली यहाँ पर मैं वेंट में से निकला और मेरी तो सांस फूल रही थी यार, अंदर वेंट में थोड़ी भी ऑक्सीजन नहीं थी। और आप लोग देख सकते हो साइंस रिसर्च सेंटर को कितना ज़्यादा खतरनाक बनाया, नीचे पूरा पानी है, मतलब इसके एंट्री के लिए कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी है, और यहाँ पर तो कितनी ज़्यादा मशीनें, ये सब छोड़ो। चलो फटाफट से अंदर जाते हैं और उस फ्यूज कंडक्टर को ढूंढते हैं। और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है ये रिसर्च सेंटर, और यहाँ पर तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो फ्यूज कंडक्टर मिलेगा
मिलेगा कहाँ यार। मुझे तो साइंटिस्ट धूमकेतु ने बताया था कि सिर्फ चैम्बर 3 में चले जाना मिल जाएगा। यहाँ मैं कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है। यहाँ पर सब कुछ लॉक पड़ा हुआ जैसा कि आप लोग देख सकते हो। यार मैं चैम्बर 3 में ही तो आया हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एक मिनट, यहाँ पर तो कोई दरवाजा अपने आप ही खुल रहा है, लगता है कि सेंसर वाला है। ओ माय गॉड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, ये रहे वो दो फ्यूज कंडक्टर जो मुझे चाहिए थे। चलो फटाफट से इसे अपने बैग में भर लेता हूँ और फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। सो यहाँ पर मैंने फ्यूज कंडक्टर को इस बैग के अंदर भर लिया। चलो फटाफट से निकलते हैं इससे पहले कि साइंटिस्ट लोग आए और मेरी चटनी बना दे। चलो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और भाई से भी यार, मुझे तो अपने आप पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने फ्यूज कंडक्टर चुरा लिया, वो भी साइंस रिसर्च सेंटर से। तो गाइस यार, इस बात के लिए फटाफट से इस वीडियो को लाइक तो बनता है, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट में जाकर फ्रैंकलिन ओपी भी लिखना। चलो वेंट के थ्रू फटाफट से निकलता हूं यहां से। ओके सो गाइस, फाइनली यहां पर मैं वेंट से बाहर आ चुका हूं। चलो फटाफट से बाइक लेता हूं। और यार ये तो अच्छा है कि मुझे किसी ने देखा नहीं, मैंने चुपके से साइंस रिसर्च सेंटर से फ्यूज कंडक्टर चोरी कर लिया और यहां पर इसका गेट उड़ाते हुए जा रहा हूं। और वो पुलिस वाला जरूर सोच रहा होगा कि आखिर ये यहां पर करने क्या आया था, उसको क्या पता कि उसके नाक के नीचे से मैंने फ्यूज कंडक्टर उड़ा लिया। चलो फटाफट से जाता हूं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार करेंगे ताकि सब लोग यार फटाफट से स्पेस शटल में बैठे, वो स्पेस शटल चालू हो और हम लोग यार फटाफट से स्पेस में जाए। अरे गाइस यार, ये क्या, मेरी गाड़ी क्रैश हो गई, थोड़ी सी चोट लग गई भाई साहब, यार मत्था फूट गया। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा ही मैं खुश हो गया था इसके लिए। एक काम करता हूँ, इस पहाड़ से शॉर्टकट ले लेता हूँ, फटाफट से यार पहुंचता हूँ वहां पे। ओके सो गाइस यार, फाइनली यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ फ्यूज कंडक्टर लेके आके। और भाई साहब यार, कितनी ज्यादा दूर जाना पड़ा था। सो फाइनली यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। चलो फटाफट से इस बैग के अंदर जो फ्यूज कंडक्टर वो दे देता हूँ। और सिंचन आयरन मैन, ये देखो मैं फ्यूज कंडक्टर ले आया। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया, क्या बात है। फटाफट इसे हल्क को दे दो ताकि वो स्पेस शटल में लगाए और हम लोग फटाफट से उड़ सके। हाँ सिंचन, रुक अभी देता हूँ, ये ले हल्क, मैं फ्यूज कंडक्टर लेके आया इस बैग के अंदर। फटाफट से यार इस स्पेस शटल में लगा और इसको फटाफट से उड़ा। अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे फटाफट से जाना स्पेस में। ठीक है फ्रैंकलिन, मुझे दो फ्यूज कंडक्टर। मैंने फ्यूज कंडक्टर ले लिया है, फटाफट से मैं स्पेस शटल में लगाता हूं और इसको चालू करता हूं। ये मैंने गेट खोला, चलो फटाफट से अंदर बैठ जाता हूं। ये मैं बैठ गया, अब फटाफट से फ्यूज कंडक्टर लगा देता हूं। तो यहां पर मैंने फ्यूज कंडक्टर लगा दिया और फ्यूज कंडक्टर लगाते ही यहां पर इंजन चालू हो चुका है, क्या बात है। दोस्तों सब लोग फटाफट से स्पेस शटल में बैठो, जल्दी आओ। सो यहां पर सभी लोग बैठ चुके हैं और मैं भी बैठ चुका हूं। चल यार हल्का, फटाफट से इसे टेक ऑफ कर और सीधा जाते स्पेस में। हाँ फ्रैंकलिन रुको, अभी टेक ऑफ करता हूं, अभी काउंटडाउन स्टार्ट होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसी के साथ हम लोग ये चल पड़े, अभी फटाफट से टेक ऑफ होगा। सब लोग सीट बेल्ट लगा के रखो। और ये देखो सीधा हम लोग ने इसको कर दिया टेक ऑफ और हमारा यहाँ पर स्पेस शटल उड़ चुका है। और भाई साहब यार, क्या ही बढ़िया मजा आ रहा है इसके अंदर तो। हाँ हल्क, तूने बिल्कुल सही बोला। और गाइस यार, आप लोग देख सकते हो हम लोग धरती से कितनी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। ओ भाई साहब यार, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम लोग यार स्पेस शटल में बैठे और हमारा जो स्पेस शटल है कितनी तेजी से जा रहा है। हम लोग ने यहाँ पर बादलों को क्रॉस कर दिया, बादलों से ऊपर आ चुके। आप लोग देख सकते हो वो एरोप्लेन हमसे नीचे और हम उनसे ऊपर। भाई साहब यार, मजा ही आ रहा है। अब हम लोग कुछ ही देर में अर्थ के एटमोस्फियर को क्रॉस करेंगे और सीधा अर्थ के बाहर जाएंगे। भाई साहब यार, मजा ही आ गया आज तो। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या, हम लोग तो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर आ गए। वो देखो हमारा अर्थ कितना ज्यादा छोटा दिख रहा है और वो रहा मून। जल्दी से यहाँ पर स्पेस शटल को घुमाओ, हाँ हमें मून की तरफ जाना है, क्या बात है, मून पे जाके मजा ही आ जाएगा। अरे हल्क भैया जल्दी जल्दी चला, फटाफट से मून पे लो, मजा आ जाएगा आज तो। सो यहाँ पर हम लोग फाइनली नीचे लैंड करने वाले। और भाई साहब यार, यहाँ पर हम लोग ने एकदम सेफ वाली लैंडिंग कर दी जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ओके सो यहाँ पर अब हम लोग रोक चुके हैं। सो यहाँ पर फाइनली हम लोग ने अपनी स्पेस शटल को रोक दिया और हम लोग यहाँ पर बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर हल्क और मैं सबसे पहले बाहर आ गए और आप लोग देख सकते हो हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा छोटी लग रही है। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, मजा ही आ गया, फाइनली हम लोग मून पे आ गए, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा। और दोस्तों वो देखो, वो रही हमारी पृथ्वी, यहाँ से कितनी ज्यादा छोटी लग रही है और यहाँ पर मून पे तो क्या ही मजा है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मून पर कितनी ज्यादा ग्रेविटी है, मैं कितनी लंबी लंबी जंप मार पा रहा हूँ। ओ भाई साहब यार, मजा ही आ गया। दोस्तों अगर आपको भी आज की वीडियो में मजा आया तो फटाफट
फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उससे भी दबा दो और कमेंट में जरूर बताना कि हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में कौन से दूसरे प्लेनेट पे जाए, जैसे कि मार्स, जुपिटर, सैटर्न, किस पे जाए, तो फटाफट से बताना। तब तक मैं यहाँ पर इंजॉय करता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया, फटाफट से इंडिया का फ्लैग लगा दो यहाँ पर, आज तो इंडिपेंडेंस डे ना। और दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।